एलेक्सा टर्न ऑन लाइट्स प्लीज। ओके तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक ड्रीम्स स्टोर के बारे में, मतलब कि जो अपने अभिषेक भाई है उनका जो टेक ड्रीम्स स्टोर है जहाँ पर वो पीसी वगैरह सेल करते हैं, मतलब कस्टम पीसी वगैरह बनाते हैं। तो यार उस जगह की सर्विस कैसी है, मतलब उस वेबसाइट की सर्विस कैसी है या फिर अपने अभिषेक भाई की सर्विस कैसी है, उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो यार देखो मैंने क्या है अभी कुछ दिनों पहले, मतलब 15-20 दिन पहले की बात है, एक पीसी ऑर्डर किया था। और वो पीसी उसमें मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ, मतलब वो पीसी ऑर्डर करने से और मेरे घर तक आने तक और चालू होने तक मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ, वो एक्सपीरियंस मैं आपसे इसमें शेयर करूँगा वीडियो में। तो यार वीडियो को देखते रहो। और मेरा नाम है सागर, आप देख रहे हो टेक्नो फॉर सागर यूट्यूब चैनल और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं अब आपसे। जो मैंने मान लो अब कोई नॉर्मल यूज़र होगा तो यार वो वेबसाइट पे जाके अपना वो करेगा, अब ऑर्डर करेगा पीसी। मेरे पास यार उनका नंबर था अपने चस्कोरा भाई जो है मोहक भाई टेक ड्रीम स्टोर पे, या फिर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको उनकी वेबसाइट पे नीचे नीचे जो है वो चस्कोरा भाई का नंबर मिल जाएगा। चस्कोरा मोहक ऋतिक भाई बहुत नाम है यार उस बंदे के, ठीक है। तो एक ही बंदे का तीन तीन नाम लोग जानते हैं, तो उनका नंबर मिल जाएगा। अब उस नंबर पे मैंने कॉल किया, पहले व्हाट्सएप करा भाई, इंस्टेंट रिप्लाई, मतलब व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज करा तुरंत रिप्लाई आता, कोई भी चीज़ पूछ लो कुछ भी रेट ले लो तुरंत रिप्लाई आता। तो यार ये चीज़ तो मेरे को बहुत ही मस्त लगी, मतलब वेट नहीं करना पड़ता आपको अगर आप किसी चीज़ की प्राइस पूछ रहे हो या फिर अपनी कोटेशन बनवा के ले रहे हो तो तुरंत देते हैं यार, मतलब पूछना यूनिक कि भाई तीन चार मैसेज करने पड़े, नहीं एक मैसेज करा आपने उसका तुरंत रिप्लाई आता है, मतलब वो तो मेरे को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ। अब सेकंड चीज़, जब अपना तय हो गया कि भाई अपन को ये कॉम्पोनेंट लेने हैं, तो उसमें कॉम्पोनेंट लेने के लिए फाइनल अपना जो बिल है वो उन्होंने मुझे भेज दिया, ठीक है। पेमेंट हुई, मतलब पेमेंट मैंने हाफ पेमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पे कर दिया था। मैंने बोला कि भाई अभी मेरे बैंक में इतने ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, मतलब 63 या 65 के अराउंड समथिंग कुछ बजट था, अमाउंट था। तो मैंने क्या करा 50 जो है वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया, उनको बोला मैंने कि मैं कल कर दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने यार वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। पर ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, अगर आपकी लिमिट वगैरह ख़त्म हो जाती है बैंक की तो आप अगले दिन कर सकते हो, सही है सिस्टम बढ़िया है, ठीक है। मैंने बोला यार ठीक है पैसे दे दिए, अब देखते हैं कब तक आता है। तो यार मैंने इधर तो पेमेंट पूरी करी, इधर पेमेंट पूरी करने के बाद एक दिन निकला, दूसरा दिन निकला, तीसरे दिन पीसी मेरे घर पे। मैंने कि भाई ये क्या है, ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस। और एक दिन भी बीच में इसलिए रह गया क्योंकि संडे पड़ रहा था और संडे तक वो वहीं पे था, मतलब एक दिन में, मतलब कल लगाया कुरियर आज आ गया, ऐसा सिस्टम हुआ था। मैंने कहा यार बड़ी फास्ट डिलीवरी है, मतलब यार डिलीवरी में भी, मतलब और अगर अपन बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो यार पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। पैकेजिंग यार आप लोगों को स्क्रीन पे दिख जाएगा, जब मैं पैकेजिंग खोल रहा था ना इसकी, भाई मैं सच्ची बताऊँ इतना सारा फोम लपेट के दिया, अंदर इतनी केयर से एक एक चीज़ रख के दी, मतलब केयर से, मतलब फोम वगैरह गत्ते वगैरह ऐसा ठूस ठूस के भरे थे कि आपके डैमेज होने का कोई चांस ही नहीं था सिस्टम को। और भाई मैं बता रहा हूँ मेरे को आधा घंटा लग गया, आधा घंटा उस पैकेजिंग को खोलने में। मैं वीडियो में दिखाऊंगा, एक फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दूंगा, भाई मेरे को आधा घंटा लग गया। मतलब वो जो फोम थी ना उसको मैं ओढ़ के सो सकता था, ऐसी वो फोम थी, देखो दिख जाएगी तुमको वीडियो में। फोम को मैं, मतलब पैकेजिंग खोलते टाइम मेरे को मन कर रहा था ओढ़ लूँ, मतलब अलग ही यार बुलबुले वाले फोम तो नहीं बोलेंगे, बबल रैप बोलते हैं, बबल रैप अगर वो ऐसी थी उसको ओढ़ के मैं सो जाऊँ, इतनी बड़ी और इतनी मज़े आ रहे थे भाई खोलने में। लेकिन आधा घंटा लग गया मेरे हाथों में, दर्द हो गया था भाई, सूखी पसली है, ठीक है। तो पैकेजिंग खोलने तक का एक्सपीरियंस ऐसा था। अब उसके बाद एक प्रॉब्लम हो गई, वो क्या प्रॉब्लम थी कि वैसे तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है जितना मैंने सुना है लोगों से, जिन लोगों ने ऑर्डर किया है, दो चार लोगों से मैंने बात करी पर्सनली, उनके पास ये प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे पास क्या प्रॉब्लम आई, मैंने जो है पीसी खोल तो लिया, अनबॉक्स कर लिया, ठीक है, उस सब के बाद जो है क्या प्रॉब्लम आई, मैंने स्टार्ट करा, मैं मुखड़ा देखता रह गया, मैंने कहा यार पीसी अब चालू होगा, अब चालू होगा, लेकिन यार
इसमें तो RGB जल रही है, डिस्प्ले तो दे ही नहीं रहा। ठीक है, फिर मैंने ग्राफिक कार्ड वगैरह दोबारा हटा के लगाया, करा रैम वगैरह हटा करके लगाई, ठीक है, और फिर भी नहीं हुआ। अब मैंने लगा दिया, उठा गया अभिषेक भाई का फ़ोन, मैंने किया भैया ये तो चालू नहीं हो रहा, क्या हो गया इसमें, चेक तो करके दिया ना सारा माल, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो। कहने यार मैंने तो सब कुछ चेक करा था, एक बार ऐसा करो उसको रिसेट वगैरह करके देखो, नॉर्मल डायग्नोस्टिक जो अपन डायग्नोस जो भी अपन करते हैं ट्रबल शूट वगैरह। तो मैंने कहा, मैंने कि साफ करके देख लिया भैया मैंने तो, अब मैं क्या करूँ। यूँ कह यार अब तो एक ही रास्ता है, अगर तुम इसका CPU हटा सकते हो तो हीट सिंक हटाओ, CPU हटा के दोबारा लगाओ और उसके बाद इसको चालू करो BIOS रिसेट करके, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भैया कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने जो है उसकी हीट सिंक हटाई, हीट सिंक हटाई तो थर्मल पेस्ट फैल गया। फिर मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, वही एक बार तो गिरता गिरता बचा CPU। और CPU भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, 3700X, सोचो साला गिर जाता तो क्या होता मेरे साथ। ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई हटाया, अब हाथ में लग गया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हटा दिया ना, अब एक बार फिर उसको लगाया दोबारा CPU को, उस पर अपना वो कसा वापस, उसका पंखा जो रहता है अपना हीट सिंक जो रहती है, ठीक है, हीट सिंक कसने के बाद मैंने उसको रिसेट करा, सेल वेल निकाल के वही 5 सेकंड अपन उल्टा लगा के वो करते वो कर दिया, और इधर से इसमें रिसेट का बटन है ही CMOS का क्लियर करने का, तो वो भी कर दिया। उसके बाद यार इसमें जो मेरा मदरबोर्ड है स्टील लीजेंड B550M, इसमें जो है नीचे डायग्नोस वाली जो अपनी ट्रबल शूट की जैसे डायग्नोस्टिक कार्ड आता है ना एक PCI स्लॉट में लगा चेक करते, तो उसकी इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें नीचे LED दी है कि भाई तुम्हारे रैम वाले एरिया में प्रॉब्लम है या तुम्हारे CPU वाले एरिया में प्रॉब्लम है, तो वो लाइट चल जाएगी। तो यार उसमें ऐसे पहले दो दो लाइट चल रही थी, वो CPU और रैम की चल रही थी, तो मैंने क्या करा भाई रैम भी हटाई, वो भी दोबारा लगाई, और अब अदर अलट पलट करके लगा दी, CPU चालू, मतलब थोड़ा लुकझुम मारी वो लाइट और CPU चालू। मैंने कहा यार बढ़िया, और उन्होंने ये भी बोला था कि भाई अगर तेरे से नहीं हो रहा, मैंने कि भाई मेरे से तो हो ही जाएगा, इस बात की तो बात छोड़ो, मैं कॉन्फिडेंस है, ठीक है, क्योंकि भाई अगर तुमसे नहीं होता तो वापस उसको वैसे ही पैक करना जैसे था और वापस भेज देना, ठीक है, वापस भेज देना। मैंने कहा ठीक है भाई वापस भेज देंगे, हमारा क्या जा रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ यार, जो सर्विस है ना, सर्विस के मामले में उनका जो स्टोर है ना, वो सर्विस के लिए ही मेरे हिसाब से भाई है यार, मतलब सर्विस इतनी बढ़िया लगी मेरे को। मेरा PC मैंने ऑर्डर करा, पेमेंट करी, थोड़ी सी बच रही थी, क्योंकि भाई अगले दिन कर देना कोई बात नहीं, अगले दिन मैंने पेमेंट करी, उन्होंने कॉम्पोनेंट मंगाया हाथों हाथ, और वो भाई मेरा PC बना भी किसके साथ था, तो गोल्डी भाई वाले PC की वीडियो बनी थी ना, उसी दिन वो गोल्डी भाई का PC बना, उसके जस्ट अगले दिन मतलब वो उनका बन के तैयार हुआ और मेरा बनाना उनने चालू करा, मतलब डीले नहीं है काम में ज़रा सा भी। भाई मैं बता रहा हूँ, सच्ची में बता रहा हूँ, इतनी अच्छी सर्विस मैंने साले बगल वाले दुकान वाले के पास नहीं देखी है, मतलब दुकान वाले 4-4 दिन ले जाते हैं कंप्यूटर बनाने में साले। ये माइक और बार बार नीचे हो रहा है। भाई अभिषेक भाई सर्विस बड़ी शानदार लगी मेरे को आपकी, और जो अपने चस्कोरा भाई बोलेंगे, ऋतिक भाई बोलेंगे, मोहित भाई बोलेंगे, मोहक भाई बोलेंगे, मतलब जो भी नाम है भाई आपका, रियल नेम मेरे को यार बता दो, रियल नेम कौन सा है यार। आपके भी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वगैरह वो बहुत ही शानदार लगे मेरे को, मतलब ऐसा नहीं कि भाई कहीं पर मेरे को ऐसा लग रहा भाई कुछ रूड टाइप में बिहेव हो रहा है मेरे साथ, कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है भाई, अगर किसी को भी PC लेना है तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि भाई आप टेक ड्रीम स्टोर से ऑर्डर करें, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था बस। अब यार इस PC की जो वीडियो है वो या तो आपको इसी वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मेरे को पता नहीं मैं इसमें डालूंगा नहीं डालूंगा, या फिर अगली वीडियो में जो मैं बनाऊंगा वो मिल जाएगी। तो स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ मैं आपको, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसमें जो CPU यूज़ हुआ था, चलो मैं देख देख के बता दूँ यार, मेरे खुद को याद नहीं है मैंने क्या क्या मंगाया। किधर गया किधर गया, ये मेरा WhatsApp और ये अपना टेक ड्रीम्स स्टोर का नंबर, किधर है भाई ये रहा, ठीक है ये रहा बिल, हाँ बिल भी भाई उसी टाइम भेज दिया था। हाँ तो भाई देखो इसमें जो कैबिनेट यूज़ करा है वो है कूलर मास्टर का MB511 Air। तो लहसुन बेच ले पहले वीडियो मत बनाने, लहसुन बेच रहा भाई। हाँ तो देखो भाई जो इसमें CPU यूज़ हुआ है वो तो अपना 3700X है,
जो कि रेत प्रिज्म कूलर के साथ में आता है भाई, 3700X गिरता गिरता बचा मेरे हाथों से। और जो कैबिनेट यूज़ हुआ है वो है कूलर मास्टर का MB511। जो मेमोरी यूज़ हुई है वो है जी स्किल की रिप जॉज। 16 GB की रैम है टोटल में, जो कि है 8-8 GB के दो मॉड्यूल, 3200 MHz की क्लॉक स्पीड पे जो है वो चलती है, मतलब क्लॉक स्पीड तो क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, हाँ फ्रीक्वेंसी पे वो चलती है। और मदरबोर्ड जो है वो है एसरॉक का B550M स्टील लीजेंड, B550 यार और क्या चाहिए, ठीक है। और हाँ, जो पावर सप्लाई है ना, पावर सप्लाई है कूलर मास्टर की MWE 650W की पावर सप्लाई, जो कि एक बहुत ही शानदार पावर सप्लाई है। और ये जो सारे कंपोनेंट है ये मुझे कॉस्ट करे 63,200, मतलब 63,200 का इंक्लूडिंग GST। यार मेरे को बहुत ही अच्छी है कि ये डील लगी, थोड़ा सा ऐसा लगा यार मेरे को CPU थोड़ा सा महंगा लगा, लेकिन यार सही है, जो अभी कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से ये जो रेट है, ये जो प्राइस है वो बहुत ही सही है। और इस सिस्टम को मैंने किस GPU के साथ पेयर करा वो आपको या तो अभी आगे पता लग जाएगा या फिर अगली वीडियो में, ठीक है। तो मैं यही एक आपको बोलना चाह रहा था यार, एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाह रहा था, मेरा क्या एक्सपीरियंस था टेक गेम्स स्टोर के साथ। और यार मैं बता रहा हूँ, सच्ची में मैं बता रहा हूँ, जो पैकेजिंग थी ना भाई, वो पैकेजिंग देखी नहीं भाई मैंने आज तक यार, ऐसी पैकेजिंग यार। और जो व्हाट्सएप पे जो सपोर्ट है, मतलब व्हाट्सएप पे जो रिस्पॉन्स आता है, रिप्लाई आता है, वो बड़ी ही जल्दी आ जाता है। और इनका जो सपोर्ट है, जैसे मान लो आपने PC ऑर्डर करा, जैसे अब आप कहोगे भाई मेरा तो चालू नहीं हो रहा, जैसे मेरे साथ हो रही थी प्रॉब्लम, तो यार उसमें भी आप चस्कोरा भाई को या तो फ़ोन कर लो, और अगर अभिषेक भाई का नंबर है तो यार वो तो यार बिज़ी रहते हैं, उनको क्यों परेशान करते हो मैंने परेशान कर लिया, वही बहुत है, चस्कोरा भाई को फ़ोन करो, वो उधर से ट्रबल शूट करवाएंगे, भाई ऐसे ऐसे आप करो, अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो आप वापस पैक करके भेज दो। और मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो बनाने के मेरे को कोई पैसे नहीं मिले, मेरे को सर्विस अच्छी लगी इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इतना बड़ा हो भी नहीं जो मेरे को पैसे मिलेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो भाई अभिषेक भाई सर्विस एक नंबर है, काम एक नंबर है आपका, पैसे तो बहुत लोगों ने बोला होगा लेकिन मैं भी बोल रहा हूँ, मज़े आ गए मेरे को, ठीक है। तो यार अगर कोई नया बंदा देख रहा है तो सब्सक्राइब कर दो यार, अगर किसी को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अगर कोई बड़ा क्रिएटर देख रहा है तो शेयर कर दो, ठीक है, एक्सपीरियंस शेयर करो, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें कोई ऐसी वो नहीं थी, नॉलेज वगैरह एक्सपीरियंस था। तो यार कर दो भाई, कर दो, या फिर एलेक्सा से बोलवाओ, एलेक्सा सब्सक्राइब करवाओ इनसे। यू कह रही आप पहले से ही अमेज़न प्राइम के सदस्य हैं, बताओ।